नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं। कांग्रेस के बीच भितरघात हुई है और इसका खामियाजा जो एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है कि बीजेपी में भी भितरघात हुई है और उनके नाम जो हैं सामने आ चुके हैं। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सैनी साहब जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके पास वो नाम पहुंच चुके हैं। और चौंकाने वाला सिस्टम ये है, चौंकाने वाली बात यह है कि हर जगह से 15 से 20 तक के नाम जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। यानी कि 15 से 20 नेता जो हैं उन्होंने भितरघात की है और वो भितरघात जो है वो फायदा कांग्रेस को पहुंचाती हुई नजर आ रही है। अभी सोनीपत और सिरसा की जो लिस्ट है वो मुख्यमंत्री के हाथ में है, वो लिस्ट वो है तैयार हो चुकी है। बड़े बड़े नाम जो हैं उनके सामने आए हैं। सिरसा की बात कर लें, उसमें एक नगर निगम के अधिकारी, डीसी ऑफिस में लगे कर्मचारी और एमएलए और तमाम वहाँ पे जो नेता हैं बीजेपी के नेता उनका नाम जो है सामने आया है। और सोनीपत की बात कर लें, मौजूदा जो आज के समय में जो एमपी हैं उनका नाम सामने आ रहा है। एमएलए गनौर की एमएलए जो थी उनके जो पति का अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको ऑडियो भी सुनवाया, वो ऑडियो भी वायरल हुआ। और इसके अलावा मोहनलाल बड़ोली के पास कई ऐसी वीडियो है जो वो संगठन को सौंप चुके हैं। उनके अपने ही नेता जो है कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर जगह से 15-20 नेताओं की बात जो है सामने आ रही है। करनाल लोकसभा में भी भितरघात हुई है, वो भी सारा जो है मामला पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास है। उसके नाम जो है उन्होंने दिए भी थे। देव मलिक का भी नाम जो है सामने आया था। देव मलिक ने हालांकि ये बात सामने रखी है कि वो उस समय जो बूथ हैं वहाँ पर गए हुए थे, लेकिन एक बड़े नेता का वो नाम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक बड़े नेता के कहने पर उनके खिलाफ ये साजिश जो है रची गई है। एक राज्य मंत्री जो पानीपत ग्रामीण से आते हैं उनके एक समर्थक का नाम जो है वो सामने आया है। और बड़ी बात यह है कि पानीपत से भी करीब 15 नाम जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री के पास अब पहुंचे हुए हैं। आज पानीपत में है मुख्यमंत्री, समर्थकों का धन्यवाद करने पहुंचे हैं और साथ में रिव्यू बैठक भी ले रहे हैं। इसराना संभालखा पानीपत शहरी और पानीपत ग्रामीण में वे बैठकें ले रहे हैं और उनसे जो है पूरा रिव्यू ले रहे हैं कि आखिरकार कहां में क्या दिक्कत रह गई। हालांकि मनोहर लाल स्पष्ट नजर आ रहे हैं जीत को लेकर, लेकिन वो जीत का मार्जिन जो है जितना बड़ा होना चाहिए था वो जीत का मार्जिन उतना बड़ा सामने नहीं आया। इसको लेकर जो है तमाम जो बैठकें हैं वो की जा रही है। पानीपत में 4 विधानसभाओं में ये बैठक बारी बारी चल रही है और उसमें मीडिया को नॉट अलाउड किया गया है, यानी कि मीडिया की एंट्री जो है उन बैठकों में नहीं की गई ताकि जो अंदर की बात है वो बाहर ना निकल कर आए। लेकिन मीडिया के अपने सूत्र होते हैं, अंदर की बात जो है बाहर निकल कर आई जाती है, जैसा कि हमने पिछले दिनों आपको दिखाया भी था और मीडिया छाप भी रहा है कि कई जिलाध्यक्ष जो हैं इसमें नपेंगे, कई अधिकारी जो हैं नपेंगे। 10 जून के बाद जो है उन अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट और कार्रवाई की लिस्ट जो है वो तैयार कर ली गई और 10 जून के बाद जो है वो कार्रवाई होना संभव जो है बताया जा रहा है। उनकी तैयारी जो है पूर्व मुख्यमंत्री और जो मौजूदा मुख्यमंत्री है वो कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो इलेक्शन था वो फेयर तरीके से होना चाहिए था, लेकिन उनके अपने अधिकारियों, उनके अपने कर्मचारियों और ख़ास तौर पर भितरघात करने वाले उनके जो नेता हैं उनको देखा जाएगा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई जो है वो करनी है वो देखी जाएगी। और जो विधायक विधानसभा की टिकट लेने की जो है बात जो रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो होना है वो संभव जो है बताया जा रहा है। तो धीरे धीरे जो है लिस्ट सामने आ रही है। बड़ी बात यह है कि जो लोकल नेता हैं जो निर्दलीय एमपी का चुनाव लड़ रहे थे वो कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे, इसका इनपुट जो है वो भी बीजेपी के आला नेताओं को नहीं दिया गया। ये एक बड़ी जो है खामी पार्टी में देखने को मिली है। और लोकसभा में कांग्रेस को जिस नेता ने समर्थन दिया यानी कि अंदर खाते में उनकी मदद की है वो इनपुट जो है वो भी आला नेताओं के पास पहुंच गया है। चुनाव अधिकारियों ने जो अधिकारी हैं और उनके कर्मचारी हैं इनका रवैया जो है ठीक नहीं रहा, वो हमने दिखाया भी था पानीपत में किस तरह जो है ये चुनावी ड्यूटी हो रही है। ना पंखे चल रहे हैं, ना पानी पीने का है, ना बुजुर्ग को ले जाने के लिए कुछ चीज़ें, बुजुर्ग जो है बेचारे गर्मी में भटकते हुए नजर आ रहे थे, वो तस्वीरें जो है पूरे हरियाणा में देखने को मिली। तो इससे एक साफ अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जो चुनाव अधिकारी हैं और चुनाव में लगे जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी नौकरी जो है ठीक ढंग से नहीं की, ये भी जो है इनपुट, खास तौर पर ये इनपुट जो है यहाँ पर पहुंची हुई है। और
एक अधिकारी एक्शन लेवल का एक अधिकारी जो है नगर निगम का जो सिरसा से है उनका नाम भी जो है इस लिस्ट में रखा गया है। एक एमएलए का नाम जो है वो भी सामने आया है। सिरसा में 15 व्यक्तियों की लिस्ट फाइनल जो है तैयार हो चुकी है। जहां जहां नायब सैनी जा रहे हैं, जहां जहां पूर्व मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वहां से पूरा का पूरा फीडबैक जो है वो लिया जा रहा है और आने वाले समय जो है उनके ऊपर कार्रवाई जो है की जाएगी। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि इस लिस्ट में जो है प्रत्याशियों की लिस्ट में सालों से नगर निगम, डीसी ऑफिस, आरटी ऑफिस और पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तक जो है इसमें शामिल हैं, उन पर शक ये जताया जा रहा है उन्होंने विरोधी पार्टियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में बीजेपी में भीतरघात कर दी, यानी कि कुछ ऐसा काम वहां पर कर दिया कि लोग बीजेपी से नाराज हो जाएं और विपक्षी पार्टियों के पक्ष में चले जाएं। ये सारा का सारा इनपुट जो है, ये सारी की सारी सीआईडी जो है खुद मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जो है जुटा रहे हैं और जो जिलाध्यक्षों की बैठक हुई उसमें भी जो है इनपुट लिए गए कि क्या 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 दिक्कतें रही और कौन कौन सा अफसर जो है इसमें स्लिप्त रहा है। पानीपत में भी कई अफसरों का और कर्मचारियों को जो है नाम यहाँ पर सामने आया है और रिव्यू मीटिंग जहाँ जहाँ चल रही है वहाँ वहाँ ये मुद्दा जरूर उछल रहा है कि कुछ एमएलए हैं और कुछ जिनकी टिकट कटकी है, एमपी हैं, वो भी इस सारे खेल में शामिल हैं, उन्होंने भी जो है पूरा खेल खेला है और ये फायदा जो है कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है। दो लोकसभा की लिस्ट, फाइनल लिस्ट जो है वो बीजेपी के पास पहुंच गई है और वो अधिकारी, वो कर्मचारी, वो नेता जो है जरूर नपेंगे जिन्होंने कांग्रेस को फायदा पहुंचाने की कोशिश जो है वो की हुई है। आज मुख्यमंत्री पानीपत में है, करनाल में है और यहाँ की रिव्यू मीटिंग जो है वो भी ले रहे हैं और बड़ी बात यह है कि जहां जहां जा रहे हैं यानी कि दसों लोकसभा सीटों पर भीतरघात जो है वो सामने आई है और इसी को लेकर जो है अब आला नेता जो है पूरी तरह जो है खड़े हो गए हैं उनके खिलाफ। अब देखते हैं कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। तो आप जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ और अपने कमेंट जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।